और ये क्लास सिक्स में हिंदी का सेकेंड चैप्टर हम लोग देखते हैं। आप लोग पेज नंबर 9 बुक ओपन कर लीजिए, जो कि आपका राइट साइड का पेज है। तो सबसे ऊपर आपका है, आप साइड में देखिए, अध्याय उद्देश्य। लेसन नेम आपका है क्या निराश हुआ जाए। आप लोग पेज नंबर 9 ओपन कर लीजिए और पेंसिल लेकर बैठ जाइए। जहाँ पे न समझ में आए वहाँ पे टिक करते रहिएगा। तो सबसे पहले हम लेसन को रीड करने से पहले, पढ़ने से पहले लेसन की वर्ड मीनिंग को लर्न कर लें या बार बार रीड कर लें, जो कि आपका पेज नंबर 12 पर दिया गया है शब्दार्थ। इसको जब हम रीड कर लेंगे या लर्न कर लेंगे बार बार, तो हम जब लेसन को रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें जो लाइनों का भाव है वो अच्छे से समझ में आता रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको रीड कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद हम लोग लेसन को रीड करेंगे। तो ये हम लोग लेसन को रीड करते हैं। इस पाठ में लेखक ने यही बताने का प्रयास किया है कि आज भी हमारे देश में सच्चाई और ईमानदारी जैसे गुण विद्यमान हैं। इस लेसन के माध्यम से हमें सच्चाई और ईमानदारी के विषय में बताया जाएगा। संचार माध्यमों द्वारा बुरी खबरों के बीच जब कोई मानवीय पक्ष को उभारने वाली घटना पढ़ने सुनने को मिलती है, जो पुनः सद्गुणों और अपने आदर्शों पर विश्वास दृढ़ हो जाता है, लगता है आज भी महान भारत को पाने की संभावना जीवित है। इस अध्याय उद्देश्य के माध्यम से हम लोग सच्चाई और ईमानदारी के विषय में पढ़ेंगे। देखिए लेसन में, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में ठगी ठगैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। जिसके कहने का तात्पर्य इस पंक्ति का है, जिसके पास जितना ही है वह उतना ही गंदा काम करता है, उतनी ही बुरी काम करता है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किस में नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुड़ी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। कहने का तात्पर्य यह है इस पैराग्राफ से कि हर व्यक्ति को उसके दोषों को ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाता है और उसके गुणों को कम से कम, और जो दोष की बात होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाता है, और गुण की जो बात होती है उसको ग्रहण करने वाले फैलाने वाले कम होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा, जो कि आज के बहुत समय पहले गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर, मनमोहन, मानवी महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष की सतीत के गहर में डूब गया था, जो कि अपना सब कुछ ऐसे व्यक्ति थे, वे ऐसे महान विभूति थे जो कि भारतवर्ष की सभ्यता और भारतवर्ष की सम्मान के लिए, देश को बचाने के लिए अपना सब कुछ, यहाँ तक कि प्राण भी दे दिए। और आज लोग डूबे हुए हैं अपने बुरे कर्मों में। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र आज सूख ही गया है। एक समय था कि
कौन आर्य था, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन द्रविड़ है, इसमें कोई भेदभाव नहीं था। सब एक तरह से भारतीय के रूप में देखे जाते थे। एक समुद्र जैसा था कि इसमें कितने लोग हैं पता नहीं। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता, हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही मिलने लगी है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज जो समय है, जो मेहनत करके जीविका चला रहा है, वह परेशान रहता है, और जो झूठ और फरेब के सहारे अपने जीवन को चला रहा है, उसके जीवन में खुशियां दिखाई दे रही हैं, लोगों का ऐसा अनुभव है। परंतु ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल ही मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है, उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुख कर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परिचित आदर्शों से टकराते हैं, इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है सामाजिक जो त्रुटियां हैं वो पहले भी थी, आज भी है और भविष्य में ही रहेंगी। तो जो युग निर्माता है, युग युग के देश को आगे बढ़ाने वाले या अच्छे कार्य करने वाले हैं, वे हमेशा अच्छे कार्य ही करते हैं, उनको समय से मतलब नहीं है। नेक्स्ट आपका है भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। कहने का मतलब भौतिक सुखों को भारतीयों के अंदर ग्रहण करने की जो क्षमता है वह बहुत ही कम, वह आंतरिक सुखों को अच्छा सुख समझती हैं। लोभ मोह काम क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। सभी मनुष्य के अंदर लोभ मोह काम क्रोध आदि यह जो विकार है, यह जो बदलाव है, यह सभी मनुष्य के अंदर विद्यमान रहते हैं। अब उसको उपयोग करने की बात उसकी बुद्धि और ज्ञान के ऊपर होता है, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत ही निकृष्ट आचरण है। अब वह सबके अंदर होता है, लेकिन उसका उपयोग करना मनुष्य के बुद्धि और विवेक के ऊपर होता है कि कैसे उपयोग करें। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ध्यान दीजिए, पेज नंबर 10 पर आप लोग आ जाइए। ठीक है, भी उन्हें जीवित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती।
गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। कहने का तात्पर्य है, इतने सारे लोग हैं और वे अपने क्रियाकलापों से जब भटक जाते हैं तो उनको रास्ते पर लाना मुश्किल का कार्य हो जाता है। सभी लोग की मैक्सिमम अधिक से अधिक लोग की हैबिट होती, आदत होती है कि अपने सुख सुविधा को यूज करते हुए, प्रयोग करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। व्यक्ति, चित्त, समय सब आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। समझ में आ रही बात? जो मनुष्य होता है वह चित्त और सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। जिस तरह से कहने का तात्पर्य है, मनुष्य की आवश्यकता को बढ़ाया गया, उनको बड़े से बड़े पैमाने पर कार्य किए में लगाया गया या कार्य की जिम्मेदारी दी गई, उनके अंदर उतना ही लोभ मोह का भी विस्तार होता गया। लक्ष्य की बात भूल गए, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुषी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है, यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए क्षोभ का नतीजा है। परंतु भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप से देखता आ रहा है। भारतवर्ष की यह जो अवधारणा है कि वह कानून को धर्म के रूप से देखता है, आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है जो लोग धर्म भीरु हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत यहाँ जो मिसप्रिंट हो गया है आप बुक में सही कर लीजिएगा, व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। लोग आज किसी की बुराई को, किसी के किए गए कार्य को उसको ओपन कर देते हैं और उसे ओपन करके उसमें जो उनको अनुभव होता है उसमें अपना वह आनंद समझते हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है। कोई बुरा कार्य है और उसमें खुश होना बुरा
आदत भी हो जाता है लोगों का, जो बुरे कार्यों के साथ खुश होता है उसकी आदत भी बुरी हो जाती है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करके लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। आज के समाज में लोग बुरे कार्यों को देख करके उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेते हैं, लेकिन अच्छे कार्यों में लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाग नहीं लेते। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकेंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। कोई भी ईमानदार व्यक्ति जब किसी के किए हुए कार्य को जो अनजाने में हो गया है और फिर सामने आ जाता है तो आश्चर्यचकित होता ही है। वास्तव में ऐसा करना ही चाहिए, गलत तरीके से गलत ढंग से कोई भी धन कमाना नहीं चाहिए। मैं कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। आइए हम लोग पेज नंबर 11 पर चलते हैं। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया, रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया, ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, ड्राइवर जो है घबराने लगा। लोगों ने उसे पकड़ लिया, वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं ने यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए, मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। सब लोग ड्राइवर को घेर कर एक जगह खड़े हो गए। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है।
उसके आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वहाँ बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया। बोला, पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुँच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया नहीं रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। आइए पेज नंबर 12 पर थोड़ा सा और है, देखते हैं। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों को हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है। तो जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों के अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया और हिम्मत बधाई। कवियर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने प्रार्थना गीत से भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पाठ के माध्यम से सच्चाई और ईमानदारी को बताया कि आज भी लोग ऐसे हैं जो कि अपनी पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ मर मिटने के लिए तैयार हैं, फिर भी लोग उन पर संदेह करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह से आपका यह लेसन समाप्त हुआ और नेक्स्ट वीडियो में आपको अभी क्वेश्चन आंसर, बुक फिल ये सब बताया जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, वर्ड मीनिंग अच्छे से दोहरा लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा और वर्ड मीनिंग जो है कॉपी में राइट कर लीजिएगा। इसके आगे हम आपको फिर बताएंगे।